इस आम इंसान को खास बनाने वाला ये महान जनता है। तो इसी उपलक्ष्य में मैं गांव पहुंचा हूं और इन्हें लिट्टी चोखा खिलाने की कोशिश कर रहा हूं। तो हमारे साथ कई साथी मौजूद हैं जिनको मैंने बचपन में सिखाया था कि कैसे लिट्टी बनाते हैं। ये दीपक है, दीपक बताओ बचपन में कैसे सिखाए थे तुमको? उल्टा चोर कोतवाल का डांटे हम सिखाए थे, तू सिखाया हमको कि हम सिखाए हैं। लिट्टी कौन बनाना सिखाया था इसको? कौन सिखाया था? अपने सीखे हैं, अपने सीखे हैं। एक बार अब पंकज की खासियत है कि दुतला लिट्टी बनाता है। कैसे बनाता है वो दुतला लिट्टी? बनेगा ये बताओ कि लिट्टी जो है सही कौन गढ़ता है, दीपक की विक्रम? सबसे बढ़िया दीपक चा गढ़ते हैं लिट्टी। खराब में बना रहा है, हम भाई दीपक चा के साथ 10 बार लिट्टी खाया, तुम्हारे साथ एक बार नहीं खाया है। तो कोई लेकिन ने सपोर्ट में आ रहा है यार। बताबो कि छोटा नहीं बताबो कि अच्छा लिट्टी कौन गढ़ता है, दीपक की विक्रम? नहीं लिट्टी तो हम दोनों लोग का बने हुए हाथों का बना हुआ खाए हैं, लेकिन विक्रम भैया का लिट्टी दीपक भैया पे 20 है। वाह वाह, तालियां भाई तालियां, एक ही को तालियां है। जी सर, अभी चांदी की चिनौती रहेगा, लिट्टी किसका सही है? देखो भाई, मेरा तो बड़का मौसा के बड़का लड़का है, तो पक्ष तो लेना पड़ेगा ना। हमारा थोड़ा संदेह है मौसा के लड़के कुंदन जो है यहाँ पे न्याय का देवता है, न्याय का मूर्ति है। लिट्टी चोखा के कार्यक्रम के दौरान लड़कों ने मुझसे कहा कि एक लड़ाई होना है, मतलब दंगल होना है, उसमें शामिल हो जाओ तुमको भैंस मिलेगा। तो हम कहे भाई हमको क्यों मरवा रहे हो, सब मरवाए के फिर आखिर कभी भैंस के लिए प्रैक्टिस किया नहीं है और ये लोग दंगल लड़वा रहा है। तो ये लोग का हम इरादा समझ गए, फिर हम प्लान ही बदल दिए। इतना गाढ़ा है कि एकदम फेकन भैया की सफलता के बाद रोशन से लिट्टी अच्छे से गढ़वाया जा रहा है ताकि अगले वीडियो में उनसे बेहतर और एक्टिंग करवाया जा सके। चप्पल हमको दे दिए ना। इधर लिट्टी बनाते हुए दीपक की चप्पल चोरी हो गई और इसी पर डिस्कशन चल रही है। दीपक कह रहा है कि एक चप्पल के बदले दो चप्पल लिया जाएगा। तो हमारा रिएक्शन कुछ इस तरीके से था कि भाई जो तुमको करना है कर लो, लेकिन वो चप्पल मुझे पसंद आ गई है। इधर लिट्टी गढ़ने के अलावा चोखा पर भी ध्यान जा रहा है। अच्छा, हमारे हाथ की लिट्टी खाए हो ना? हमारे हाथ की लिट्टी? हाँ, बहुत बढ़िया बढ़िया लगता है ना, ऐसा नहीं? हाँ भैया, हमारे हाथ के खेला है कि ना? खाए हैं। तब तो हमारे हाथ की लिट्टी अच्छा है कि दीपक के हाथ के? हम तो आप ही के कहेंगे। आखिरकार चार लड़कों का सपोर्ट मुझे मिल गया, सन्नी और बुल्लू दोनों अपना सपोर्ट मुझे दे रहे हैं और बहुत अच्छा लगा कि ऐ बुल्लू आलू खा रहा है वो। इधर लड़के लोग लिट्टी बना रहे, उधर आलू दबाने की कोशिश में लग गए हैं हमारे बुल्लू और फौजी साहब। उधर दीपक ज्ञान पे ज्ञान दे रहा है, बच्चों को सिखा रहा है कि समय पे काम होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। बिक्की और हुड़दुंग उधर लिट्टी का स्वाद चख रहे हैं, सिझाते सिझाते दूगो पेल दिए हैं। लिट्टी को ऐसे ही सोशल फूड नहीं कहा जाता है। आप देख सकते हैं कि लड़के किस तरीके से साथ मिलकर लिट्टी चोखा बना रहे हैं, कोई आटा गूंथ रहा है, कोई इधर लड़कों में हंसी खुशी जारी है, मजा आ रहा है वाकई में। इस तरह का माहौल गांव में होना वाकई में ये दिखाता है कि गांव में अभी भी लोग जिंदा है। तो दीपक बड़ है इसीलिए खा रहा है लिट्टी, खा लिया जी कुर्सी बढ़िया बगल में आके कितना काम ही करते लग के ना किया ऐसा नहीं यहाँ आलू निकाल दो लिट्टी बनाते बनाते बहुत देर हो चुकी थी और बजरंगी हाथ में चिमटा लेकर एक्शन पे एक्शन कहा जा रहा था। इसका मतलब है कि उसे भूख लगी थी, तो लड़कों ने जल्दी से जल्दी लिट्टी बनाने की और उसे साफ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गांव में एक कपड़े में बांध कर लिट्टी को साफ किया जाता है। अब मजेदार लिट्टी तैयार है और गाँव के लड़के अपनी थाली लेकर घर से आए हैं और शानदार लिट्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री, रोशन उधर सेनापति, आई बिक्की उप सेनापति, हम सब प्रजा। अच्छा एक बात बताओ,
कि जब तू पंकज के सोना का अंगूठी दे सकता है तो कहता कि मित्र रहते को चप्पल में पंकज वापस कर दिया। अरे यार गांव के लड़के छुट्टी में घर आए हुए थे, इसी बीच में एक दूसरे से मिलने के लिए लिट्टी चोखा एक बहाना बना, इसी बीच में एक दूसरे से प्यार हुआ।